आज हम शेयर करने वाले हैं अपनी जो कार ली थी हमने सियाज, उसका ओनरशिप रिव्यू। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारी कार का 3 मंथ्स में, और कहाँ कहाँ हमने ट्रिप किया है वो सब हम शेयर करेंगे आज। यस, तो ये है हमारी कार। तो इसका फ्रेंड्स, इस कार पे हमने लास्ट 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 2 ट्रिप की हैं, लॉन्ग ट्रिप्स। वन उत्तराखंड की एक हमने ट्रिप की थी जिसमें हमने गुरुद्वारा नानक माता साहिब कवर किया था। मुरादाबाद में एक मैरिज थी, वो वहाँ तक गए थे, फिर उसके आगे हमारा उत्तराखंड का प्लान बन गया था। जितना नानक माता साहिब के पास जितने भी गुरुद्वारे से वो कवर किए थे। देन अभी लास्ट मंथ हमने दिसंबर में न्यू ईयर के आसपास हमने पंजाब ट्रिप पूरा कवर किया, जिसमें हमने पंजाब के ऑलमोस्ट 15 हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर किए हैं, इंक्लूडिंग करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो वो आपको हमारे चैनल पे दिख जाएंगी वीडियोस, आप उधर जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो दोनों ही ट्रिप्स में मैंने इसकी जो परफॉर्मेंस नोटिस की है, ये इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है। ठीक है, तो इसकी एवरेज भी ऑलमोस्ट इसने मेरे को 20-21 का एवरेज दिया है, जो कि बहुत डिसेंट एवरेज है 1.5 लीटर इंजन से, क्योंकि स्पीड भी है, सब कुछ है। और मेरी नॉर्मल स्पीड मैं इस पे रखता हूँ 100 किलोमीटर्स टू 120, मतलब इसी के बीच में कार ड्राइव करते हैं। बाकी फैमिली साथ होती है तो ऑब्वियसली रफ़ ड्राइविंग तो हम करते नहीं हैं। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सो ये देखिए, ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर, ऑलमोस्ट ये कार 2800 किलोमीटर्स चल चुकी है 3 मंथ्स में। तो अंदर से भी मैंने जो जो इस कार में एक्सेसरीज लगवाई हैं वो मैं आपको अभी डिटेल्ड बता देता हूँ क्या क्या मैंने काम करवाया है इसमें। तो देखिए, बाकी तो इसमें डेल्टा वेरिएंट है ये, इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें लगी हुई थी लाइक स्टीरियो प्लेयर एंड स्पीकर्स, ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। ये जैसे ये हमने एक इंस्टॉल किया हुआ है, ये हमारे भगवान जी का है, ओंकार निरपो निर्वैर, ये चिन्ह है, ये हमने लगाया हुआ है, ये गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, ये एक एंटी स्किड पैड मैंने लगाया हुआ है, सो दैट अगर इनके हम हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इसके ऊपर मोबाइल वगैरह हम प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि मोबाइल स्किड नहीं होता है। और इसमें ये मैटिंग करवाई है मैंने, एक सेकेंड, ये उतर के मैं दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर आई थिंक आपको मैं बता पाऊँगा। ये देखिए, बकेट मैटिंग इसमें लगवाई थी मैंने, और ये सीट कवर्स भी इंस्टॉल करवाए हैं, बकेट सीट कवर्स। तो इसकी क्या क्या कॉस्टिंग है वो मैं वीडियो में आगे शेयर कर दूंगा आपसे। सो नीचे भी ये कवर्ड मैटिंग चल रही है कि पूरा फ्लोर आपका कवर हो जाता है, ये मैटिंग है जो आपकी नीचे फ्लोर की लेयर होती है उसके ऊपर एक पूरा फुल ये लेदर का रैपिंग हो जाता है ऑलमोस्ट, ये इसको मैटिंग बोलते हैं। सो इसमें कई कई तरह की क्वालिटी आती है। तो इट वाज कॉस्ट मी अराउंड 2500 एंड सीट कवर वाज कॉस्ट मी अराउंड 11,000। ये पफीज भी इसमें इंस्टॉल करवाए थे, पफीज भी हमने इस पर इंस्टॉल करवाए थे, एंड स्टेयरिंग कवर भी है इसमें इंक्लूड। मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है कार में नॉर्मल एक्सेसरीज की, वो सब इसमें इंस्टॉल्ड है। ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट के लिए ये सियाज की बैजिंग के साथ ये जो स्टील की प्लेट लगवा रखी है, तो क्योंकि ये लाइट कलर है, इसका लाइट कलर टोन में है, इसका जितना भी इंटीरियर है वो गंदा ना हो जल्दी,
डस्ट पकड़ लेता बिकॉज, तो इसके लिए हमने इसमें ब्लैक सीट कवर्स ऐड करे हैं, इंस्टॉल करे हैं, साथ में उसमें हमने एक छोटी सी बेज कलर की लाइनिंग का हमने डिज़ाइन दे दिया है। काफी डिसेंट लुक देते हैं ये कवर्स। सो ये पीछे का सीट कवर का डिज़ाइन है, आप इसको भी देख लीजिए। इसमें आर्मरेस्ट को भी हमने पूरा ब्लैक शीट से ही कवर कर दिया है। ये देखिए पीछे भी जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर कैसे किए, ये पफीज हमने साथ में इंक्लूड करवाए थे। मतलब लॉन्ग ट्रिप पे पफीज काफी काम आते हैं। देखिए अब पीछे से बैठ के कुछ इस कार का लुक कैसा आता है। एंड इसमें एम्बिएंट लाइट भी ऐड करवाई थी। आई थिंक अभी पता नहीं, अभी तो आई थिंक कार ऑन करना पड़ेगा आगे से, तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सेंटर में इसके लाइट है यहाँ पे। मतलब जो एक सेडान क्लास कार में होना चाहिए वो सारे फीचर्स हैं इसमें। और 1.5 लीटर का इंजन जो इन्होंने मारुति ने न्यू बनाया है, नेक्सा की बैचिंग है इस पे, और इस प्लेटफॉर्म पे नेक्सा प्लेटफॉर्म पे बिक रही है गाड़ी सेडान। आजकल एसयूवीज का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, बट सेडान तो ऑल एवरग्रीन कार है, कभी भी आप मतलब ओल्ड फैशन नहीं होगी ये। तो ये पर्सनल चॉइस थी हमारी, तो इसलिए हमने इसको बाय किया रेदर देन बाइंग एनी एसयूवी और मिनी हैचबैक्स। तो परफॉर्मेंस से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इसकी। रेयर रेस इवेंट्स भी हैं इसमें, तो मैंने इसको फुल थ्रॉटल देके भी ट्राई किया है। मतलब 140-150 तक टच हुई है, उससे ऊपर भी ओब्वियसली हो सकती थी, बट रैश ड्राइविंग अवॉइड ही करनी चाहिए बिकॉज इंडियन हाईवेज आर नॉट स्पीड फ्रेंडली। यू कैन सी वी आर नॉट स्पीड फ्रेंडली। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और भी। ये देखिए इसमें कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था, तो ये हम मिड मिरर है जो पीछे देखने के लिए मिडल में जो मिरर है उस पर एक स्क्रीन ऐड करवाई है। बैक साइड पे एक हमने कैमरा इंस्टॉल करवाया है जो कि मैक्सलिंग कंपनी का है, वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे इंस्टॉल करवाया मैक्सलिंग कंपनी का कैमरा। तो इसकी जो बूट स्पेस है वो तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है। अभी तो इसमें काफ़ी लगेज कैरी किया हुआ है हमने, तो लॉन्ग ट्रिप्स पे जब जाते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी काम आती है ये।